आजकल ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, वो है बैरफुट रनिंग मूवमेंट, बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देखोगे कि मैराथन्स में भी ना बहुत सारे एथलीट, कुछ एथलीट्स देखोगे जो अवेयर हैं कि वो बैरफुट रनिंग कर रहे हैं, और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि रनिंग विदाउट शूज़। और वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर कि वो उनका दिमाग ख़राब है, वो इसलिए कर रहे हैं कि दे नो द बेनिफिट ऑफ रनिंग विदाउट शूज और बैरफुट रनिंग। तो हे एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज हम बात करेंगे एक और नई बुक की जिसका नाम है बॉर्न टू रन, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मैकडूगल ने। सो इस बुक में ना बहुत कुछ बातें ना बहुत अनबिलीवेबल थी, और तीन चार स्टेटमेंट ना जो एक्चुअली में शॉकिंग भी था और अनबिलीवेबल भी था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो तीन स्टेटमेंट मैं शेयर करूँगी। सो वो तीन स्टेटमेंट कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट है, इफ़ यू डोंट थिंक यू वर बॉर्न टू रन, यू आर नॉट ओनली डिनाइंग हिस्ट्री, यू आर डिनाइंग हु यू आर। शॉकिंग लगा ना। सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं, यू डोंट स्टॉप रनिंग बिकॉज यू गो यू गेट ओल्ड, यू गेट ओल्ड बिकॉज यू स्टॉप रनिंग। सीरियसली ये भी था ना। इसके बाद तो बहुत सारे लोग हैं ना अपने लाइफ में रनिंग को इंक्लूड तो कर ही देंगे। थर्ड, इफ़ यू डोंट हैव आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स आफ्टर अ 4 आवर रन, यू आरंट गेटिंग देम। अब 4 आवर की तो मुझे नहीं पता, बट हाँ 15-20 मिनट्स में आपका माइंड डेविएट हो जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आपकी जिस प्रॉब्लम भी से भी आप चूज रहे होंगे इस वक्त, या सफ़र कर रहे होंगे ना, उससे आप डेविएट हो जाएंगे। 15-20 मिनट्स में डेविएट हो जाएगा आपका माइंड। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो ये तीन चार स्टेटमेंट ना आपको रनिंग को अपने लाइफ में इंक्लूड करने के लिए फोर्स करेगा और मजबूर करेगा आई कैन से। अब बात करते हैं ऑथर की, क्रिस्टोफर मैकडूगल की, कि वो क्या करते हैं। वो एक ऑथर के साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं, टेड स्पीकर भी हैं, और ऑब्वियसली एक एविड रनर भी हैं। अब बात करते हैं उन्हें ये आइडिया कैसे आया। तो वो ना, उन्हें एक सीरियस फूड एलिमेंट था जिससे उनको डॉक्टर ने रनिंग करने से मना कर दिया था, जिससे उनको लगा कि ये क्या है, ये कैसे हो गया। तो उनको वो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में सर्च करने लगे। तो सर्च करते करते उन्हें एक बात पता चली, वो थी बात कि किसी लोगों के बारे में पता चली, वो था तारा हुमारा। अब बात करूँ तो तारा हुमारा कौन है, और तारा हुमारा को रारा मोरी के नाम से भी जाना जाता है। तारा हुमारा के बारे में उन्हें पता चला तो वो उनसे मिले, और वो तारा हुमारा अमेरिका के नेटिव लोग थे जो कि मैक्सिको के चिहुआ नाम की जगह पे रहते थे। उनको इसलिए जाना जाता था कि वो रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में महारत हासिल किए हुए थे। अब तारा हुमारा की बात करूँ तो वो उनके बारे में लोग इसलिए जानते थे, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एबिलिटी थी। तो दिन वो उनसे मिले एंड उन्होंने इसके बारे में बता कि रह के पता किया कि क्या रनिंग के बेनिफिट्स हैं, क्या बेयरफुट रनिंग के बेनिफिट्स हैं, जिससे वो सफ़र कर रहे थे उसको क्योर करने के लिए। अब बात करते हैं कि तीन इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो मैंने इस बुक से सीखे। वो तीन इम्पॉर्टेंट लेसन्स क्या थे। पहला इम्पॉर्टेंट लेसन की बात करते हैं, वो है योर बॉडी इज़ कंस्ट्रक्टेड टू रन फार और लॉन्ग डिस्टेंस। क्या आपको पता है, जब हम एथलीट्स को ना रनिंग करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिस वजह से वो इतना ईज के साथ इतना स्मूथली रन कर सकते हैं। बट हमारी इस बुक में बताया गया है कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो कंस्ट्रक्ट रन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए किया गया है, टूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिससे हमारा बॉडी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर सकता है, कंपेयर टू एनिमल्स ऑल्सो। जब बात आती है कि शॉर्ट डिस्टेंस एनिमल्स जीत जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग रनिंग और व्हेन इट कम्स टू एंड्योरेंस, होमो सेपियंस विंस। सो ये बहुत शॉकिंग भी था। सिर्फ आपको टाइम एंड पेशेंस रखना है, टाइम देना है, प्रैक्टिस करना है, एंड पेशेंस रख के आपका बॉडी भी एबल हो जाएगा टू रन लॉन्ग डिस्टेंस। सेकेंड लेसन पे आते हैं, वो है डंपिंग द रनिंग शूज एंड रनिंग बेयर फुट इज मोर नेचुरल एंड बेटर फॉर योर फीट। आपको ना, जैसे कि इसमें बताया कि बेयर फुट रनिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, एंड जैसे कि पहले भी बताया कि बेनिफिट्स के मूवमेंट, ये बेयर फुट रनिंग मूवमेंट चल रहे हैं,
मैं आपको है ना अपने साथ मेरा एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि मेरे जो दादाजी हैं वो ना रनिंग करते थे, जब हम पार्क जाते थे तो वो विदाउट शूज रनिंग करते थे, मैंने देखा है। तो मैं मुझे उस वक्त फील होता था कि क्यों ऐसा कर रहा है, लाइक क्यों दादू ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो हमेशा हमें जो बोलते थे बेटा करो, इससे बहुत बेनिफिट होता है। लाइक अभी वो 75 ईयर्स ओल्ड हैं लेकिन स्टिल वो यंग दिखते हैं, यंग उनका बॉडी यंग टाइप का बॉडी के टाइप बिहेव करता है। हम यंगस्टर्स की बात करें तो स्टिल हम इतने हेल्दी नहीं हैं, बट उस वक्त ना उनकी बात मुझे समझ नहीं आती थी वो, बट फिर वो हमें समझाते समझाते छोड़ दिए कि ये लोग नहीं सुनेगा, बट वो करते थे। वो हमेशा बोलते थे ग्रीन ग्रास पे वो खाली पैर चलो, वो मुझे समझ आता था ठीक है उसकी आँख की रोशनी बढ़ती है, बट बेयर फुट रनिंग हमको समझ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। एंड जब मैंने ये बुक पढ़ी एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट द बेनिफिट ऑफ रनिंग मूवमेंट, एंड नाउडेज आपने देखा होगा ना कि डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में इंक्रीज़ हो रहे हैं, बस इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है हमारा, बिकॉज ऑफ बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल हम यूज टू हो रहे हैं इसके। एंड रनिंग से ना बहुत ज़्यादा क्रोनिक जो जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं उसके जो परसेंटेज हैं 90% रिड्यूस हो जाते हैं, और जो कंसिस्टेंट होते हैं, जैसे कि बात आए क्रोनिक डिजीज की, डायबिटीज स्टेज टू की बात करें, वेट रिलेटेड इशूज की बात करें, हार्ट डिजीज की बात करें, हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, तो बात करी जाए तो जॉइंट एंड हेल्थ की, जॉइंट की बात की जाए तो बोन स्ट्रेंथ की बात करें, मसल स्ट्रेंथ की बात की जाए, टोनिंग की बात की जाए, इम्यून सिस्टम की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, चांसेस है ना रिड्यूस कर देता है रनिंग से। और बात की जाए तो सबसे बड़ी बात पता क्या है कि कॉन्फिडेंस, रनिंग से ना एक अलग कॉन्फिडेंस आता है मन में, आपकी लाइक विल पावर स्ट्रांग होती है, और आप अपने आप को पुश करते हो ना तो जो दूसरे कामों में ना आपकी लिमिट ब्रेक होती है। तो बात करते हैं जो मार्केट में शूज़ हमारे सेल हो रहे हैं, क्या उसकी रियली में नीड किसी को नहीं है? नहीं है, 3% लोगों को वैसे शूज़ की नीड है जो हमारे फुट को स्टेबलाइज करता है, बट हर एक इंसान को नीड नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए आप बेयरफुट रनिंग कर सकते हो, इससे बेनिफिट होगा मुझे नहीं पता, बट इस बुक में लिखा हुआ है। तीसरा लेसन आता है कि लर्निंग गुड फॉर्म एंड पेसिंग योरसेल्फ आर एसेंशियल डिस्टेंस रनिंग स्किल्स। जब आप पार्क में जाओगे ना तो ऑब्जर्व करना जो लोग रनिंग करते हैं, बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं वहाँ पर, बट देखना कि कुछ का फॉर्म सही है, करेक्ट फॉर्म है, पर बहुत लोगों को वो सही रनिंग फॉर्म पता नहीं है, जिससे कि आपको एक सीरियस इंजरी हो सकता है, सीरियस फुट एलिमेंट हो सकता है। इसलिए एक सही फॉर्म जानना किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको करना सही से, चाहे वो योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया, या रनिंग भी क्यों ना हो गया। कि इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप जिम में जाते हैं ना, तो अगर आपको इक्विपमेंट यूज़ करना नहीं आ रहा है, देन यू मतलब आप पूछते हो, ट्रेनर से पूछते हो, जो भी आसपास है आपके उससे पूछते हो कि आप इसे यूज कैसे करते हैं, और बिना जाने इसे यूज कैसे करते हैं, आप रॉन्ग गलत तरीके से अगर यूज करोगे तो आपको एक इंजरी हो सकती है, जिसको शायद बहुत बार ऐसा होता है कि वो इंजरी हमेशा के लिए रह जाता है। सो ये जानना गुड फॉर्म क्या है, उस गुड फॉर्म में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि ये लेसन्स आपको हेल्प करेंगे, एंड आप अवेयर हैं कि बेयरफुट रनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। अब शायद आप किसी को बेयरफुट रनिंग करते देखोगे कहीं पे भी, तो आप लोग उसको जज नहीं करोगे, क्यों वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो दैट्स इट अबाउट द बुक, और दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू बुक। टिल देन बाय बाय एंड स्टार्ट रीडिंग बुक।